नियम है, कोर्ट में आंख में नहीं जा जाता, ये नियम है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरेशन। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद अब आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। जो हमारे पास जानकारी मिल रही है कि कई जो जिनको चुनाव लड़ना है तेजस्वी यादव उन्हें सिंबल दे रहे हैं, और कई जो उम्मीदवार हैं वो राबड़ी हाउस पहुँच रहे हैं। बाजाबता कॉल जा रहा है यहाँ राबड़ी हाउस से। उसके बाद जो उम्मीदवार हैं अलग अलग क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से, वो राबड़ी हाउस पहुंच रहे हैं और सिंबल लेके जा रहे हैं। एक और अहम जानकारी दे दें कि जो कॉल जा रहा है राबड़ी हाउस से, उसमें जो भी उम्मीदवार जिनको चुनाव लड़ना है उन्हें सारे डॉक्यूमेंट जो है वो राबड़ी हाउस में लाने को कहा गया है, ताकि आखिरी मोमेंट में नामांकन के दौरान कोई दिक्कत ना आए, कोई अड़चन ना आए। यही वजह है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं संबंधित उम्मीदवारों के वो मंगाए गए हैं तेजस्वी यादव द्वारा। आपको बता दें कि जिन लोगों का टिकट जो है आरजेडी की तरफ से कन्फर्म हो गया है, उसमें सबसे पहला नाम जो है बड़हरा के विधायक सरोज यादव का टिकट फिर से कन्फर्म हो गया। आपको बता दें साल 2015 में वो पहली बार विधायक बने थे, और दूसरी बार भी आरजेडी ने उन पर भरोसा जताया है और उनकी उम्मीदवारी कन्फर्म हो रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आरजेडी ने बोधगया से सर्वजीत कुमार, भोजपुर के जगदीशपुर सीट से राम बिशुन लोहिया, रोहतास जिले की नोखा से अनीता देवी, जमुई सीट से विजय प्रकाश और रामगढ़ सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर कुमार सिंह, और बेलहर से रामदेव यादव और झाझा से राजेंद्र यादव, वहीं मखदूमपुर से सुबेदार दास, चकाई से सावित्री देवी, भोजपुर की शाहपुर सीट से राहुल तिवारी, जहानाबाद सीट से सुदय यादव को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। राजद ने नवीन नगर से डब्लू सिंह, बेला से सुरेंद्र यादव को टिकट दिया है, जबकि नवादा से राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को टिकट दिए जाने की खबर तेज है। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। जिन लोगों को राबड़ी हाउस से फ़ोन जा रहा है, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जिन्हें उम्मीदवारी करना है, चुनाव लड़ना है, वो लगातार राबड़ी हाउस पहुंच रहे हैं सिंबल लेने के लिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी जमा करवा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से आखिरी मोमेंट में देखा जाता है कई उम्मीदवारों को दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, इन सब दिक्कतों को अड़चन जो है वो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पहले दूर की जाए। यही वजह है कि उम्मीदवारों को पहले से ही डॉक्यूमेंट्स जो है पूर्ण रूप से मंगाया जा रहा है। फिलहाल हलचल तेज है राबड़ी हाउस के बाहर। एक तस्वीरें दिखाने जाते हैं, जो कार्यकर्ता है, जो उम्मीदवारों के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो लगातार बने हुए हैं। आपने अभी तालियां बजाई, क्यों तालियां बजाई थी? ये मेरा सुदय यादव कैंडिडेट है, जहानाबाद। जहानाबाद कन्फर्म हो गया, लग रहा था कि कन्फर्म होगा उनका। हम पहले ही से संतुष्ट थे, मेरा आत्मा को वाही दे रहा था। इसके ऐसा वर्कर कार्यकर्ता गरीबों का दुख सुख बुझने वाला कोई नहीं है। जहानाबाद मगध में ये करके एक नंबर है, मुंदिका सिंह यादव के लाइन रास्ता पर चलने वाला व्यक्ति। कई लोग जहानाबाद से भी आए थे उनका टिकट कटवाने के लिए। वो लोग आए थे, इसके विरोधी जो कैंडिडेट अपना घोषित करना चाहते थे, जिनको कुछ वहाँ लेना देना पब्लिक से नहीं है, रोड छाप खाली उन लोग थे, इनके विरोधी लोग। ये आप लोग के ये दरबार के आशीर्वाद से ये करके कार्य ठीक है। कुछ और आप लोग कहाँ से आए हैं? मनार से हम लोग आए हैं। मनार से क्यों आए हैं आप? डॉक्टर मुकेश के लिए आए। टिकट कंफर्म हो गया उनका? हाँ, लगभग कंफर्म है। कॉल गया है राबड़ी हाउस से? हाँ। चलिए, महनार से भी टिकट कंफर्म हो गया है, और कई जो कार्यकर्ता है उम्मीदवार के साथ आ रहे हैं पार्टी का सिंबल लेने के लिए राबड़ी हाउस के। आप लोग कहाँ से आए? महनार से ही है? सकरा से। सकरा से? सकरा सुरक्षित। क्यों आए यहाँ पे? सतीश पासवान के टिकट। टिकट कंफर्म हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, चाह में आए हैं। आप लोग कहाँ से आए सर? ना, हम ऐसे हैं। ऐसे ही आए हैं आप? जी सर, गुरुआ से। क्यों आए हैं? जी सर, विनय यादव के लिए सर। उनका टिकट यहाँ आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुआ है, वो घोषणा होते ही जैसे ही होता है। कोई बताया है उन्हें कि उनका ही टिकट कंफर्म हो? जी, हो चुका है। चलिए, कॉल चला गया है। तो कह रहे हैं लब्बुलुबाब यही है कि राबड़ी हाउस से कॉल जा रहा है जिन उम्मीदवारों को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना है, और लगातार उम्मीदवार जो हैं वो पार्टी अपने समर्थकों के साथ राबड़ी हाउस में पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए सर? जी, सकरा सुरक्षित बरनवे से, जो मुजफ्फरपुर जिला है। यहाँ आने का कारण? हम भी एक उम्मीदवार हैं और हमारी भी दावेदारी है। तो कॉल आया है आपको? जी नहीं, अभी तक किसी तरह की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे वर्तमान में हमारे यहाँ से आरजेडी के ही विधायक हैं,
संभावना है उनका टिकट कटेगा। कुल मिलाकर कहें तो आरजेडी राबड़ी हाउस के बाहर जो गतिविधियां हैं वो तेज हैं। लगातार उम्मीदवार जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको राबड़ी हाउस से कॉल आ रहा है, वो लगातार राबड़ी हाउस पहुंच रहे हैं अपने समर्थकों के साथ पार्टी का सिंबल लेने के लिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।